श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कम सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 6। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम दक्षजे लोकस्य जानतो विद्वां चक्रे साप्तत संहितम्। आप पढ़ेंगे प्रभु जी, पढ़िए। लोकस्य जानतो विद्वां चक्रे सातत संहितां। ठीक है, तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वो अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से। तात्पर्य, श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं, अतः उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है। ये एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम, यश, कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान के हेतु की कृपा पर निर्भर करती। जब भगवान भक्त के निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्ति में सेवा पर निर्भर होता। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय का श्लोक संख्या 6 में वर्णन किया गया है। बताया गया कि अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वां चक्रे सातत संहितम्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वो अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने इन वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से। किसी व्यक्ति का मान लीजिए कुछ वो बीमार हो गए, तो बीमार हुए तो जो व्यक्ति बीमार हो चुका उसको पता नहीं कि मेरा क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर उनको बता सकते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, मलेरिया हुआ है या हार्ट अटैक होने वाले हैं या किडनी फेल हुआ है या कैंसर हुआ है या डायबिटीज हुआ है, क्या रोग है वो हम निर्धारण नहीं कर सकते जिसका रोग हो चुका है, लेकिन डॉक्टर उसे समझ जाते। तो जब डॉक्टर इसको समझ गए तो डॉक्टर उसी अनुसार उपचार दिए, कुछ दवाई दिए, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन लगाए, दवाई दिए, जो कुछ जरूरत होता वो दिए।
तो उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत में हम सब जितने सारे प्राणी हैं, हम सब जो दुख कष्ट भोग रहे हैं यहां पर, ये जो अनर्थ बोला जाता है, इस अनर्थ को व्यासदेव ने देखा। इसलिए व्यासदेव ने इस तथ्य को समझा कि जीवों के दुखों का कारण है ये अनर्थ, तो इसको भक्ति योग के द्वारा ही कम किए जा सकते हैं। जैसे डॉक्टर जानते हैं कि इसको ये दवाई देने से ये कम हो जाएगा, तो उसी प्रकार भक्ति योग के द्वारा ही ये जो रोग है, इस रोग को निदान किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इसके संबंध में कि श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। तो इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश पट्टन सभी सम्मिलित रहते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई बोलते हैं, प्रभु जी मैं आपके पूरे फैमिली को देखा, इसका मतलब आपके पूरे फैमिली को देखा, इसका अर्थ यही है कि वो व्यक्ति अकेला नहीं है, उस फैमिली में उनके माता पिता है, उनका भाई बहन है, इवन उनका पत्नी भी है, बच्चे भी है, इसको कहा जाता पूरा फैमिली को देखा। प्रभु जी मैंने आपको देखा, आपको देखा मीन्स और आपको पूरे फैमिली के साथ देखा, दोनों में डिफरेंस है। तो इसीलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहा है, श्रील व्यासदेव कृष्ण को तो देखा, क्या किया व्यासदेव ने, परम पूर्ण भगवान को देखा। इसका अर्थ क्या है, इस कथन से क्या सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश पट्टन सभी सम्मिलित रहते हैं। जैसे एक परिवार बोलते कि मैं आपके पूरे फैमिली को देखा, पूरे परिवार को देखा, इसका मतलब वो व्यक्ति है, उनके बच्चे, उनके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब, उसको कहा जाता है पूर्ण रूप से दर्शन। उसी प्रकार कृष्ण को दर्शन करने का मतलब कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, उनकी तटस्था शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, जोग माया, महामाया, ये सब विष्णु तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व, ये भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह है, समस्त अवतारों के स्रोत, अवतारी, और बाकी ये सब क्या है, उससे निकला है। तो इससे हम लोग को यह चीज समझना श्रील प्रभुपाद हम लोग को बता रहे। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को अर्थात अंतरंगा, तटस्था तथा बहिरंगा शक्तियों को देखा, उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को देखा। जब व्यासदेव ने समाधि लगाया, जब नारद मुनि सम्मप्रास नामक स्थान से चले गए, बद्रिका आश्रम से चले गए, नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देने के बाद जब वहां से अंतर्ध्यान हुए, तब व्यासदेव ने क्या किया, समाधि लगाए और ध्यान के माध्यम से वो इन सभी तत्वों को देखा, कृष्ण को देखा, बलराम को देखा, आदिशक्ति महामाया को देखा, जोग माया को देखा, जीव शक्ति, तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, सब कुछ देखा। सबसे बड़ी बात इस श्लोक में जो आया है, तो पिछले श्लोक में जो आया था कि व्यासदेव ने क्या देखा, मोहने वाली शक्ति, जीवों को जो बद्ध रखते हैं, जीवों को बद्ध रखते हैं महामाया, उनको भी देखा। उस कारण क्या है, तो ये जो हम लोग जो कष्ट पा रहे हैं, इस कष्ट का निवारण कहां, इस कष्ट का निवारण कैसे किया जा सकता है, तो ये चीज का वर्णन यहां पर इस श्लोक में दिया गया है कि भगवत भक्ति के माध्यम से ही हमारे जो अनर्थ है, जो दुख है,
इसको कम किया जा सकता है। तो अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा जो भक्ति योग है। तो ये एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम जस कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ हो। तो हम लोग क्या देखे यहां पर, श्रील प्रभुपाद क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम सब जो इस संसार में जो दुख भोग रहे हैं, दुख भोगने के पीछे कारण क्या है, पिछले जीवन में कुछ इस तरह का पाप कर्म किए हैं जिसके कारण यहाँ पे आके दुख भोगना पड़ रहा है, और उसको दुख कौन दे रहे हैं, महामाया, देवी शक्ति महामाया दे रही है दुख बद्ध जीव को। तो इसको दुख, ये जो दुख है हमारे जन्म जन्मों का, इसको दूर करने का उपाय है। उपाय क्या है? उपाय है भक्ति योग। और ये कैसे शुरू होगा, कहां से शुरू होगा? ये शुरू होगा हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने के माध्यम से, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के माध्यम से। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम श्री प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं, भगवान के नाम, भगवान का यश, भगवान की ख्याति कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। ये महान दिव्य विज्ञान, ये जो दिव्य ज्ञान हम लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम लोग, हमारे पास तो दिव्य ज्ञान नहीं, भगवान को कैसे देखें? तो दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य विज्ञान है ये जो रोज हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम लोग दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे। क्योंकि दिव्य ज्ञान ऐसा कोई चीज नहीं है कि झटके में ये कृपा से, जैसे अर्जुन को मिला था कृष्ण भगवान ने ऐसे करके दिव्य दृष्टि प्रदान की और अर्जुन पूरा समझ लिए, नहीं। दिव्य ज्ञान, असली दिव्य ज्ञान क्या है, जो भगवद गीता अर्जुन को सुनाया, असली दिव्य ज्ञान क्या है, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाया, असली दिव्य ज्ञान क्या है, जो सोनकादि ऋषियों को सूत गोस्वामी सुना रहे, और असली दिव्य ज्ञान क्या है, जो हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जूम क्लास के माध्यम से वही दिव्य ज्ञान का डिस्कशन कर रहे हैं। ये है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान को इलेक्ट्रिक झटका नहीं है कि ऑटोमेटिक मिल गया भगवान को दर्शन कर ले, नहीं। दिव्य ज्ञान है भगवान की लीला कथा को श्रवण और कीर्तन कर, इसे कहा जाता दिव्य ज्ञान। तो सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान के हेतु की कृपा पर निर्भर करती है। श्रवण कीर्तन तो हम लोग करेंगे ही, इसका मतलब ये नहीं जरासंध की तरह कि नारायण शिला का पूजा करेंगे और कृष्ण के साथ टक्कर लेंगे। उसका नारायण शिला का पूजा तभी सार्थक होता अगर वो कृष्ण के साथ प्रेम करते, लेकिन तो कृष्ण के साथ प्रेम नहीं करते थे जिसके कारण उसका नारायण शिला व्यर्थ है, इसलिए उसको अशुभ कहा जाता है जरासंध को। उसी प्रकार हम लोग भक्ति करेंगे और अगर कृष्ण के साथ अगर प्रेम नहीं करेंगे, अरे चलिए मैं तो सोलोमाला जप किया फिनिश, चलिए सोलोमाला जप किया भागवत कथा भी सुन रहे हैं, लेकिन भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार नहीं है तो कैसे होगा? तो तब भी काम नहीं आए। ये दोनों चीज का सामंजस्य होना चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम और अपना प्रयास, क्योंकि हम लोग अपने प्रयास के माध्यम से भगवान तक नहीं पहुंच सकते। जैसे उदाहरण दिया गया था, कोई व्यक्ति कुएं में गिर चुका है तो कितना भी प्रयास करे ऊपर उठने का, उसका अपना दम नहीं है। अगर ऊपर से कोई रस्सी फेंके और रस्सी को सहारा लटका के अगर वो उठना चाहे तो उठ सकते हैं, ऊपर के प्रयास के माध्यम से ही उठ सकता है, खुद का प्रयास खुद का शक्ति के द्वारा वो कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। उसी प्रकार हम लोग भक्ति करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, साधु संग करेंगे, सब कुछ, फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो है कृष्ण के हेतु की कृपा। श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो जब भगवान भक्त के निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं
तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते हैं। जब भगवान क्या करते हैं, किसी के प्रति प्रसन्न होते हैं, इससे हम लोग को एक चीज समझना है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा कर रहा है इसका मतलब भगवान का कृपा प्राप्त है उनका। श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ को उल्लेख करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब भगवान भक्त की निष्ठा से, सिंसियरिटी से, पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, तब वे उसे दिव्य प्रेममय सेवा प्रदान कर सकते। ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, जब भगवान किसी के प्रति प्रसन्न होते तभी उसको सेवा मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। तो हम लोग ये जो श्रवण कीर्तन, इससे बढ़कर कोई सेवा है? मेरे गुरु महाराज बोलते थे, अगर कुछ काम न हो तो भागवतम खोल के पढ़ना शुरू करो, क्योंकि यही असली सेवा है, मानव जीवन का यही सेवा है। क्योंकि जो कुछ आपको खाने को मिल रहा है या खाने को मिलेगा, वो आपके पूर्व जीवन के कृति का फल है। ये जो हम लोग को नौकरी मिलना, नौकरी न मिलना, बिजनेस चलना, बिजनेस ठप हो जाना, ये सब के पीछे कारण हमारे पूर्वजन। तो आप कुछ करें या ना करें, आपको तो पेट तो भरेगा ही, क्योंकि ये प्रारब्ध है, आपको तो मिल ही जाएगा। लेकिन भक्ति, भक्ति ऐसा चीज है, आपको ये ऑटोमेटिक मिलने वाला नहीं है, इसको खुद को करना पड़ेगा, है ना। तो भागवतम खोलना मतलब, भागवतम पढ़ना मीन्स भक्ति है। भगवान को प्रसन्न करना है भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। आवाज आ रही है प्रभु जी, माता जी? जी जी आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर यही चीज समझे श्लोक के माध्यम से, कि भक्ति का आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता। हाँ, कि जब भगवान भक्त के निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तब उसे दिव्य प्रेमों में सेवा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों में से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए ध्यान से समझना है। ये जो श्रवण कीर्तन, ये जो भागवतम, सच में व्यक्ति के दुखों को दूर करने की क्षमता रखता है, यहाँ पे श्लोक प्रभुपाद लिख दिए। बाकी चीज में कब भगवान की कृपा होगी तब मुझे बहुत ही दुर्लभ विषय है, किंतु अगर श्रवण तथा कीर्तन, मतलब अगर हम लोग भागवतम को पढ़े, भागवतम की कथा को श्रवण करें, तो भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत इमीडिएटली कम किया जा सकता। कितना इंपॉर्टेंट बात है, है ना। हम लोग क्या प्रभु जी श्री भागवत पढ़ने से पेट भरेगा, कोई कोई ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो हम ये नहीं बोल रहे कि तुम अकर्मण्य हो जाओ, लेकिन जब कुछ काम नहीं है तो उस समय सोचे हाय रे, वहां पे थोड़ा सब्जी बेचने से भी 2-4 पैसा आता, तो ऐसे प्लान करके कुछ होने वाला नहीं। आप नौकरी करते हैं, सब्जी बेचेंगे थोड़ी, अब इतने बड़े बिजनेसमैन आप सब्जी थोड़ी बेचेंगे। जिस टाइम आपका काम है, जिस टाइम आपका बिजनेस है, वो तो आएगा, वो तो होगा ही, लेकिन जब आप फ्री टाइम है उस समय भागवत पढ़ो, भागवत कथा श्रवण करो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। भक्ति करने से सबका ठीक होता है, क्या विश्व इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति प्रमाण है जो भक्ति करके उनका कोई माइनस हुआ? नहीं, भक्ति करके सबका लाभ ही लाभ हुआ है। तो जो ऐसा कर बोलते हैं ना, क्या प्रभु जी आप जो बोलते हैं भागवतम पढ़ो और हरिनाम करो तो मेरा मेरा पेट कौन पोसेगा, मतलब मैं खाऊंगा क्या?
अरे जब भक्ति करेंगे तो भक्ति में वो भी सम्मिलित है, वो भगवान बुद्धि देंगे कि तुम्हें काम भी करना चाहिए अपने परिवार को मेंटेनेंस करने के लिए। कृष्णा तुम्हारे हृदय में बुद्धि प्रदान करेंगे, तुमको उतना चिंता करने का जरूरत नहीं है, है ना। भक्ति करने से सब ज्ञान आता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब एवरीथिंग। भक्ति जो नहीं करता वही सबसे बड़ी मुश्किल विभिन्न परिस्थितियों में गुजरते हैं और अकर्मण्य हो जाते हैं। भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं होता, वो सब समय भगवान की सेवा में रहते हैं। तो हम लोग को इस तथ्य को समझना है पूरा दृढ़ संकल्प के साथ और बुद्धि के साथ, है ना। ऐसे में तो हर कोई बोलते प्रभु जी लेक्चर में तो हर कोई दे देता है कि सिर्फ भगवान का सहारा लेके रखो, लेक्चर तो हर कोई तो भाषण मारता है भागवतम क्लास में। नहीं, भाषण मारने वाली बात नहीं है, अब भक्ति करके देखो, देखना भगवान आपका जीवन को कितना सुमंगल बना देंगे। खुद को रियलाइज करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे यार, मेरा शरीर अच्छा है सब कुछ है, तो थोड़ा सा 5-6 घंटा ड्यूटी करेंगे कहीं पर अगर मिल रहा है अनुकूल भाव से, परिवार का पालन पोषण भी होगा, मेरा भक्ति भी होगा, क्यों नहीं करेंगे। भक्ति करने से संतुलन अच्छा बुद्धि आता है, इसीलिए हम लोग को पहला प्रायोरिटी मतलब मुख्यतया क्या चीज करना है, भक्ति को ध्यान देना है, ये कि मनुष्य जीवन उस चीज के लिए मिला है। हमारे जीवन में हम इस जीवन में दुखी है या सुखी है, गरीब है या अमीर है, ये हमारे पिछले जीवन के कर्मों का फल है, पिछले जीवन के कर्मों का। हरे कृष्ण। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो भक्ति है, भयती का आसक्ति का स्तर दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अभी तो ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर, परम सत्य की चरम अनुभूति भक्तिमय सेवा पर निर्भर होता है। तो देखिए श्रील प्रभुपाद के 18,000 श्लोक हम लोग जो पाठ करेंगे, क्योंकि मैं भागवतम ऑलरेडी ये जो अभी आप लोगों को जो क्लास कर रही है मैं 2 बार रीडिंग कर चुका हूँ पूरा 18,000 श्लोक। तो श्रील प्रभुपाद का पहले से लेकर अंत तक एक ही बात रहेगा, वो ये है कि हमारे जीवन का सार एकमात्र यही है कि हम लोग भक्ति करें, कृष्ण की शरणागत हो, प्रथम से लेकर लास्ट तक। तो अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी तब क्या जरूरत है रोज रोज जून क्लास इतना कष्ट करके ज्वाइन कर, जब प्रभुपाद बोल ही दिए कि सब श्लोकों में 18,000 श्लोकों में सिर्फ भगवान की भक्ति करो भक्ति करो और कुछ है ही नहीं, उससे अच्छा कहीं पर कुछ सीरियल देखे नया नया अभी आता है टीवी में या यूट्यूब में, क्या जरूरत है भागवतम का तात्पर्य पढ़ के इतना घंटा घंटा बिताना। नहीं, ये जो श्रील प्रभुपाद बारम्बार एक ही चीज रिपीट करके बोल रहे हैं कि भक्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण की शरणागत होना हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये सब यही एकमात्र पूरे शास्त्रों का सार है। शास्त्रों का सार क्या है, भगवान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं क्या, कि वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद, मतलब समस्त वेदों के ज्ञान का उद्देश्य क्या है, मुझे जानना, अहम एव वेद, अहम मतलब मुझे, वेद मतलब जानना, है ना। वेदेश सर्वे समस्त वेदों का उद्देश्य मुझे जानना। तो ये जो 18,000 श्लोक हो या 18,00,000 श्लोक हो, हम लोगों को क्या जानना है, कृष्णा कौन है, मैं कौन हूं, कृष्ण के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या है, उनसे शरणागत होकर उनके चरणों में अपने आप को डेडिकेट करने से लाभ क्या है, ये चीज हम लोग को जानना है। सभी शास्त्रों को अध्ययन करने का फल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताए, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपोहनम चो वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद, समस्त वेदों के ज्ञान का लक्ष्य हूं मैं, कृष्ण बोल रहे, वेदांत कित वेद विदेह चाह। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो भक्ति है, कृष्ण के प्रति समर्पण है, और ये जब ये सब चीज एक दिन में नहीं होता, ये निरंतर प्रयास का फल है, निरंतर प्रैक्टिस का फल है ना।
इग्नोर करने से कुछ नहीं मिलता इस जगत में, इस चीज को समझना है। जो व्यक्ति ऊपर ऊपर में कुछ चीज को पकड़ते हैं ना, वो किसी भी चीज को उतना गहराई में नहीं ले सकता। बोलने का भाव क्या है, कभी कभी जूम क्लास ज्वाइन करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, नहीं। जिस तरह हमारे शरीर को हिष्ट पिष्ट रखने के लिए रोजाना टाइम पे 3 टाइम करके खाना है, अच्छा पानी पीना है, तब शरीर स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो उसी प्रकार हम लोग सच में अगर भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, तो कृष्ण भक्ति को भी वैसे ही 3 टाइम खाने जैसा, उसको भी सीरियसली हम लोग को करना है। जप करना है, भागवत कथा सुनना है, क्लास अटेंड करना है। इग्नोर एक बार अगर मन में आ गया ना, अरे छोड़ो ना, यूट्यूब में देख लेंगे, अगर समय है फिर भी, तो माया आपको पकड़ लिया, क्योंकि माया बहुत चतुर है, चालाक है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। आप बोल सकते हैं, अरे अभी काम है मेरा, रात में सोते सोते डायरेक्ट ऐसे बिछाना कि ऐसे करके हम यूट्यूब में देख लेंगे ना, क्या जरूरत है इतना कष्ट करके। प्रभु जी वीडियो ऑन करने के लिए बोलते हैं, है ना, जूम क्लास में अटेंड करेंगे, बोलेंगे प्रभु जी माता जी वीडियो ऑन करके रखिए, प्रभु जी वीडियो ऑन करके रखिए, क्या जरूरत है उतना तपस्या करने का, कष्ट करने का। उससे अच्छा है कि रात में आराम से मस्तक को यहाँ पर बालिश में लगा के, तकिए में लगा के सीधा देखना, यूट्यूब में देखना आराम से। लेकिन आराम से कुछ होता नहीं रे बाबा, यही तो समस्या है। जब बच्चा छोटा रहता है ना, जब स्कूल जाना नहीं चाहते, तो बोलते हैं माँ को फुसलाते हैं, पापा क्यों मुझे उतना जबरदस्ती करके स्कूल भेजते हैं, मैं स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा, मेरा प्रोमिस है, मैं वादा करता हूं मैं पढ़ूंगा, घर में ही पढ़ूंगा, मुझे एडमिशन नहीं लेना है, स्कूल में जाके डांट नहीं खाना है। बच्चा तो बोलता है, लेकिन माँ और पिताजी, माँ और पापा क्या करते हैं उस बच्चे को, बच्चे की बात को मानते हैं या जो नियम है उसको फॉलो करते हैं? नहीं बेटा, स्कूल तो जाना ही है, स्कूल तो जाना ही है। तो स्कूल जब वो जाते हैं, वहां पे उसको एडमिशन मिलता है, उनका रोल नंबर क्रमांक संख्या जब मिलता है ना, तब वो सीरियसनेस आता है, और उसी के माध्यम से वो जीवन में एक दिन प्रगति करता है, एक दिन शिक्षा प्राप्त करते हैं। कौन कितना लड़का है, आप एक भी प्रमाण करके दिखाइए जो माता पिता को फुसला के बोला कि ए माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, किंतु मैं घर में पढ़ूंगा, मैं वादा कर रहा हूं आपसे। और कितना लड़का है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, जो सफल हुए हैं वो सबसे ज्यादा चोर गुंडा बदमाश डाकू बने। क्यों? क्योंकि उसको अनुशासन नहीं था। माता पिता थोड़ी अनुशासन करेंगे कि नहीं तुम्हें अभी गणित का पढ़ाई करना है, अभी सोशल साइंस का करना है, अभी संस्कृत का पढ़ना है, नहीं नहीं करेंगे। माता पिता का स्नेह है ना पुत्र के प्रति, ममता करुणा, डांट होना चाहिए। इसीलिए तो मैं कभी कभी डांटता हूं, बाद में क्षमा मांगता हूं, भक्तों को डांटता हूं, यद्यपि भी नहीं डांटना चाहिए, लेकिन डांटता हूं गुरु महाराज को पहले प्रणाम करके कि गुरु महाराज मेरा अधिकार नहीं है, ये सभी भक्तगण मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरा अधिकार नहीं इन लोगों को ये करना। प्राण मोहन प्रभु को, नंद किशोरी माता जी को कितना मोटे, क्लास जोन नहीं करना है अगर पर्सनल रेडी करके नहीं आना, ऐसा बोलना चाहिए, बोलिए तो, लेकिन मैं बोलता हूं, है ना। अगर प्रश्न नहीं है तो क्या जरूरत है क्लास से, कितना मतलब कैसे ऐसे बोलते हैं, डरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसी से, यही तो परीक्षा है कि व्यक्ति कितना सीरियस है भक्ति जीवन में, यही परीक्षा है। अरे ये जगन्नाथ प्रभु ने सब समय डांटते रहते हैं, जैसे उसी के पास सब कुछ ज्ञान है, चलो रहो यूट्यूब में मैं देख लूंगा, आप अपना क्लास करते रहो, मैं यूट्यूब में देख लूंगा, तो जाओ। तो ऐसे करने से क्या ज्ञान मिलेगा? बच्चा ट्यूशन जाता है बचपन में, तो ट्यूशन मास्टर कभी कभी मारता है, चाबुक मार देते हैं। तो अगर बोले कि यार तुम तो अच्छा टीचर नहीं हो, चलो तुमसे नहीं पढ़ूंगा,
फिर दूसरे जगह जाते वो भी मारता है। तो अगर मार खाने के डर से या अनुशासन नहीं चाहेंगे, हमारे दलिया चक्रवर्ती माता जी वो सोच रहे कि मुझे बोल रहे प्रभु जी, नहीं ये तो मैं सबको बोल रहा हूं, क्योंकि आज दलिया चक्रवर्ती माता जी 1.5 महीना बाद आए हमारे क्लास में, इसीलिए बोल रहे कि प्रभु जी मुझे इंडिकेट करते हुए बोलते, नहीं मैं सबको बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे जितने सारे भक्तगण, मैं कभी कभी अपना पुराना वीडियो देखता हूं तो जिसमें बहुत सारे भक्तगण का पूरा डिस्प्ले में भरा रहता था, खैर उस समय लॉकडाउन के कारण सभी घर में थे जिसके कारण आते थे, लेकिन फिर भी व्यक्ति अगर सीरियस रहे ना तो किसी भी स्थिति में वो भगवान या श्रीमद् भागवतम के लिए समय निकाल सकते। लेकिन अगर अंशुमान प्रभु जी जैसे बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी, जब भीड़ में रहते हैं ना, कुछ काम में रहते हैं ना, तब तो मुझे क्लास सुनना अच्छा नहीं लगता, तो अगर ऐसे किया जाए तो कभी भी चांस नहीं मिलेगा भागवत कथा सुनने का। अगर अर्जुन सोचते कि कृष्णा तब चलो हम लोग नैनीताल जाते हैं, वहां पे सर्दी गर्मी रिस्मु एकदम पूरा सुंदर ठंडी ठंडी हवा चलेगी और आप मुझे भगवत गीता का गान सुनाएंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और मैं आराम से सुंदर सुंदर बसंत बहार की हवा लेकर मैं सुनूंगा, अगर ऐसा होता तो अर्जुन भगवत गीता नहीं सुन पाते। भगवत गीता कहां पर सुना अर्जुन, एक ऐसी स्थिति में सुना कि चारों तरफ से, दोनों तरफ से सेनाएं कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने ही वाला है, और उसके बीच में गुल वाह वाह मारो, हाट बाजार में कैसा आवाज होता है, तो ऐसे स्थिति में भगवत गीता को ध्यान से सुना है ना। तो हम लोग को हमारे आचार्य को पालन करना है, सभी भक्तगण बहुत कुछ बोलेंगे, तो अभी हम लोग को किसको देखना है, अर्जुन को देखना है। अर्जुन कैसे भगवत गीता सुने, हमारे प्रभु जी बोले हैं वो भी ठीक, प्रभु जी जब मैं घर में रहता हूं तो उस समय मुझे सुनने में अच्छा लगता है, एकदम पूरा फ्री माइंड, लेकिन ऐसा समय नहीं आएगा रे बाबा, माया देवी उतना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सीधी साधी औरत नहीं है, वो बहुत कड़ा नियम रखते हैं, भोली भाली नहीं है गोपियों की तरह, दुर्गा देवी जो है ना बहुत पावरफुल है, पूरा डंडा लगाते हैं। तो इस तथ्य को हम लोग को समझना है। देखिए कुछ कुछ चीज जो है अभी मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, अगर हृदय से सुन रहे तो समझ पाएंगे, और अगर ऐसे ही प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा श्लोक की बात बता रहे हैं, रामायण में है या भागवतम में है, अगर ऐसा तो समझ में नहीं आएगा। मैं अभी जो बोल रहा हूं एकदम पूरा प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में जो हो रहा है ना, हम लोग को थोड़ा सीरियस बनना है। एक बच्चा जब छोटे बच्चे सीरियस रहता है तभी वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, भविष्य में जाके नौकरी पाता है या शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी क्लास ज्वाइन करेंगे कभी नहीं करेंगे, हमारे डलिया चक्रवर्ती माता जी की तरह 1 महीना के बाद एक दिन करेंगे, फिर 1.5 महीना नहीं करेंगे, फिर 15 दिन करेंगे, फिर 17 दिन नहीं करेंगे, बात ये डलिया चक्रवर्ती माता जी का नहीं है ना। एक बार डांट दिया, प्रभु आपने ऐसा बात बोल दिया ना, मुझे बहुत दुख लगा, इसलिए मुझे मन नहीं करता, अरे मैं तो सबको बोलता हूं, लेकिन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट, कौन सा है, मेरा डांट या भगवान की कृपा, हु इज मोर इंपॉर्टेंट, द मर्सी ऑफ कृष्णा और चैस्टाइजमेंट्स बाय जगन्नाथ देव, मेरा डांट आपको बुरा लगता है या कृष्ण की कृपा अच्छा लगता है, कौन सा आपको चाहिए। गुलाब का फूल तोड़ने के लिए जाओगे तो बोलेंगे मुझे गुलाब ही चाहिए, कांटा नहीं चाहिए, लेकिन कांटा तो लगेगा तोड़ते तोड़ते, कभी कभी रोज तो नहीं लगता, गुलाब के फूल को तोड़ेंगे तो कभी कांटा लग जाए, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गुलाब फूल से नफरत है। भागवतम के माध्यम से कभी कभी मेरे पानी से कांटा लग सकता है, लेकिन मिल रहा तो कृष्ण की कृपा, गुलाब का ताजा ताजा फूल, वो आपको ग्रहण करना है।
आप बोलेंगे मुझे कमल फूल प्राप्त करना है, लेकिन जाओगे तो कभी कभी सांप डस देंगे, क्योंकि कमल के पंखुड़ियों में व उनके डाली में सांप लटका रहता है। कभी कभी सांप किसी किसी को काट देते हैं, तो ये भी संभल के रहना है। मुझे कमल फूल भी प्राप्त करना है, पद्म फूल, ठीक है सर, और सांप से बचना भी है। तो यही है, ये हर जगह यही चीज है, लागू होता है, चाहे गुलाब का फूल, कमल का फूल या ये भागवतम क्लास। नॉट ओनली भागवतम क्लास, एवरी हर सर्किल में, हर क्षेत्र में हम लोगों को दोनों चीज मिलेगा, डांट भी मिलेगा, कृपा भी मिलेगा। तो अगर डांट के कारण कृपा से हाथ धोना है तो क्या किया जाए? अगर बोलेंगे नहीं मुझे डांट नहीं खाना है तो ठीक है, कृपा भी नहीं मिलेगा। बच्चा अगर पढ़ाई में भविष्य में एक हुनहार विद्यार्थी बनना चाहेंगे तो उसको ट्यूशन जाना होगा, टीचर की बात को मानना होगा। अगर बोलेंगे नहीं मैं मन ही मन पढ़ूंगा तो नहीं होगा। उसी प्रकार भक्ति भी नहीं, प्रभु जी मैं तो 3 अगरबत्ती जलाता हूं, आप तो 1 जलाते हैं, उससे भी कुछ होने वाला है? ऊपर से जब तक कृपा नहीं होगा कुछ होने वाला नहीं है। उदाहरण दिया पहले ही, कुएं में व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो कितना भी प्रयास करे निकलने का नहीं उठ पाएंगे जब तक ऊपर से कृपा नहीं हो। ऊपर से कृपा मीन्स रस्सी, तो ऊपर से कृपा मीन्स हमारे गुरु परंपरा, ऊपर से कृपा मीन्स हमारे गुरु परंपरा, ब्रह्मा, नारद, व्यास देव, मध्वाचार्य, नारद मुनि, इस तरह जो धीरे धीरे जो श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु वर्ग और हमारे गुरुदेव की कृपा जो थोड़ा प्राप्त की, वो सब आप लोगों के सामने शेयर करना, तो ये है ऊपर की कृपा। तो जब इसको हम लोग ध्यान से श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तब कृष्णा जो है ना स्वतः ही हम लोग को कृपा करेंगे। इसलिए हम लोग को सिंसियर होना है। और जो भक्त, देखिए माता जी, डलिया चक्रवर्ती माता जी, बात ऐसा है ना, दुख तो सभी के जीवन में है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। कंफर्टेबल लाइफ, अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। उसको भी कुछ ना कुछ दिन के बाद मायादेवी उसको भी मारेंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन किसी के पास पैसा है करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन उसका रोग हो चुका है डायबिटीज, खाते 2 बिस्कुट और 1 कप चाय। और कोई सारा दिन में 150 रुपया कमाते हैं ईंट भाटा में काम करके, ये सब्जी बेच के या लेबरिंग करके, लेकिन वो खाता है राइस, दाल, सब्जी, रोटी, तरकारी, पूरा पेट भर के खाता है। यद्यपि कम कमाते हैं, खाते हैं, और उसके पास अरबों की संपत्ति है, लेकिन खाता है 2 बिस्किट और 1 कप चाय, 1 कप पूरा भी नहीं, आधा। तो उतना धन संपत्ति रखने से फायदा क्या, जो अपनी आत्मा की तृप्ति तो दूर, शरीर की भी तृप्ति नहीं कर पा, अच्छा भोजन भी नहीं दे पा रहे शरीर में, तो क्या मतलब उनका ये है, मतलब धन का फायदा? तो मतलब वो भी दुखी है, पश्चात ऊपर, हाय रे मेरा धन व्यर्थ, कुछ काम का नहीं, तो वो भी दुखी है। तो जैसे मतलब हर क्षेत्र में हर व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में दुखी है। किसी के पास बहुत धन है तो भक्ति नहीं है, किसी के पास भक्ति है तो धन नहीं है, दुखी तो हर कोई है। लेकिन हम लोग को इसको कॉम्प्रोमाइज कर, क्या बोलते हैं इसको, सामंजस्य, कि जो भी है, मुझे दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है, मुझे इससे लेना देना नहीं है। कृष्ण की कृपा से मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उसी से संतुष्ट हूं। और दूसरी बात यह है कि कृष्ण मुझसे जो उम्मीद किए हैं, क्या मैं उस मात्रा में उनको प्यार कर पा रहा हूं, हाँ या नहीं, ये चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है सर्वदा, सब समय, हर परिस्थिति में हम लोग को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, क्या मेरी सेवा से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट है? अगर वो संतुष्ट है मेरे काम से, मेरी सेवा से, तो मुझे दुनिया में किसी से डरना भी नहीं, दुनिया में किसी से ईर्ष्या भी नहीं करना, किसी चीज के लिए पश्चाताप भी नहीं करना।
हम लोग को इस तथ्य को समझना है, ये जो छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि हम कृष्ण के लिए क्या कर पा रहे हैं। कृष्ण तो हमको सब कुछ दे रहे हैं, बचपन से अब तक हूं, जिया हूं, खाने को भी मिला है, मिल भी रहा है, रहने के लिए भी मिला है, सुंदर शरीर दिया है भगवान ने, तो इतना कुछ दिया है तो कि मैं क्या दिया हूं। ये प्यार तो दो तरफ से होता है ना, लेन देन, लेन देन मतलब आदान प्रदान। ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड सिर्फ देते रहे और गर्लफ्रेंड उसको कुछ रिटर्न में कुछ बोले भी नहीं, थैंक यू तो बोलना है। तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मतलब कृष्णा और उनके भक्त, कृष्णा ही सिर्फ देते रहे और भक्त तक कुछ उनके रिप्लाई में ना करे तो कि अच्छा है, उसके रिप्लाई में कुछ करना है। जैसे बोलते हैं ना, जो एग्जाम्पल के रूप में कि पति पूरा कष्ट करके सुबह से लेकर रात तक मेहनत करके पैसा कमा के आता है, लेकिन पत्नी अगर थोड़ा मृदु भाषी, शास्त्र में आया है श्लोक, पत्नी अगर मृदु भाषी हो तो परिवार जीवन सुखी होता है, लेकिन सारा दिन भर गधा की तरह परिश्रम करके पति आता है घर में और पत्नी उसके साथ कड़वा वचन में बात करते, तो क्या वो पति क्या कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा? नहीं। अरे पत्नी, तुम्हारे पास अगर कुछ योग्यता नहीं है तो एटलीस्ट थोड़ा अच्छी बानी में उससे बात करो, वो तो सारा जीवन, सारा दिन भर बेचारा परिश्रम कर रहा है ना। तो इस प्रकार दोनों का सामंजस्य होना चाहिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं? इसके माध्यम से ही बोलना चाह रहे कि कृष्णा हमारे लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। क्या परिश्रम कर रहे हैं? बचपन में जब हमारा जन्म, मतलब जब हम लोग जन्म लिए, माँ के स्तन में दूध आए, हम लोग उस दूध को पान किए, फिर बड़े हुए, फिर लाड प्यार से विभिन्न चॉकलेट बिस्कुट, हाँ, चानाचूर खाना पीना, बड़े हुए बेलून बंदूक, काली पूजा में ढूं ढूं, हाँ, वो गुब्बारा बेलून ये सब माता पिता ये किए, ठीक है। फिर अभी हमारा जो जीवन जो जिस स्टेज में है, तो अल्टीमेटली हम लोग को कृष्णा सब कुछ भरण पोषण कर रहे हैं। तो रिप्लाई में अगर हम कृष्णा के लिए कुछ भी ना करें तो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए हमारा परम धर्म यही है, भक्ति योग यही है कि कृष्ण जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा भी अपना कुछ होना चाहिए ताकि कृष्ण के लिए कुछ करें। पर हम लोग कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं? हमारे पास है ही क्या? हमारे पास एक ही चीज है, वो है हमारा मन। हमारे पास एक ही संपत्ति है, वो संपत्ति है हमारा मन। तो कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, जस्ट कृष्ण चाहते कि जीव मुझसे प्यार करे। पति नहीं चाहते कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं पिला रहा हूं, इतना पैसा ला दे रहा हूं, तुम भी इनकम करके मुझे खिलाओ पिलाओ। क्या पति बोलते हैं पत्नी को? बोलते हैं नहीं। पत्नी को बोलते ठीक है मैं सब्जी ला दे रिया, चावल ला दिया, आटा ला दिया, तुम बनाओ, रसोई तो करो। तो पत्नी बोले नहीं, मुझे वो भी आप ही कर दो, मैं सिर्फ खाऊंगी। तो इसे बोलने से चलेगा? पत्नी का भी कुछ धर्म है। जो जो पति सारा जीवन भर, सारा दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम कर रहा बेचारा, इसके लिए परिवार को चलाने के लिए, तो पत्नी का भी धर्म है कि उनको अच्छी तरह खिलाना पिलाना। तो उसी प्रकार कृष्णा हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हम, हमारा धर्म है कि कृष्ण के लिए भी कुछ करना। तो कृष्ण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं कि कृष्ण के लिए हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, वो है हमारे जो प्रेम है उसको पुनर्जागृत केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति को अपनाना है। हाँ,
भक्ति योग एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम जस कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्राप्त है। ठीक है, कि हम लोग को जस्ट हरि नाम करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है, अध्ययन करना है, श्रवण करना है, इसी के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे भगवान के शुद्ध भक्त में परिणत हो जाएंगे, क्योंकि यही एक साधन है श्रवण कीर्तन विधि। कृष्ण के प्रति जितना हम लोग विनम्र रहेंगे, उनके प्रति जितना ग्रेटफुल रहेंगे कि कृष्ण आप तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, या मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तो यही भाव जो है ना हम लोग को पूर्ण बनाएंगे, हमारे जीवन को सफल बनाएंगे। कृष्ण भक्ति में सफल बनने का यही मार्ग है, क्योंकि एक प्रजा राजा की सेवा करते हैं, राजा की सेवा करेंगे, तो मान लीजिए राजा के पास जाके बोलो कि महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो महाराज राजा क्या बोलेंगे उनको, ठीक है जाओ गांव गांव में जाओ भीख मांग के आओ और मेरे लिए कुछ खाना पकाओ और मुझे खिलाओ, क्या राजा ऐसा बोलेंगे? नहीं, राजा क्या बोलते हैं कि ठीक है वहां पे आटा रखा है, वहां पे चावल रखा है, वहां पे दाल है, वहां पे सब्जी है, किचन में ले जाओ उसको अच्छी तरह कुक करो, मतलब भोजन पकाओ, भगवान को अर्पण करो और मुझे खिलाओ, तो ये है राजा की सेवा। राजा ये नहीं बोलेगा कि तुम गांव गांव में भीख मांग के मेरे लिए आओ। तो उसी प्रकार हम लोग भगवान कृष्ण के सेवक, तो कृष्ण राजाओं के राजा महाराज, महाराजाओं के महाराज राजाधिराज, तो कृष्ण क्या बोलेंगे जब हम लोग चाहते कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे, तो कृष्ण की सेवा करेंगे मतलब कृष्ण वो अरेंजमेंट करेगा हमारे लिए, हम लोगों को बाहर से कृष्ण सेवा के लिए किसी दूर जगह में जाके बाहर से कुछ करने का जरूरत नहीं, कृष्ण के पास सब कुछ है, जस्ट हम लोग को अपने आप को लगाना। ठीक है, अपने आप को लगाना है। देखिए ये जितना कुछ हम क्लास बोल रहे हैं, अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो अंत में पूछना है, विभा माता जी हो, दलिया माता जी हो, राममोहन प्रभु जी हो, या कोई भी भक्त जो YouTube में भी देखेंगे वो बाद में भी पूछ सकते हैं कि प्रभु जी क्लास में ऐसे हुआ था, उस विषय में आपका क्या कहना, कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हैं। तो लगभग ये जो श्लोक है हमारा, इस श्लोक का हम लोग समझ गए कि श्रील व्यासदेव ने क्या देखा कि जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते, इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम से है। तो हम लोग नहीं जानते कि हमारे दुख को कैसे दूर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि श्रीमद् भागवत में वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम लोग अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हैं, किसी दूसरे का सहारा, किसी दूसरे का आश्रय लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, कृष्ण है, और जो व्यक्ति कृष्ण की शरण ग्रहण किए उसको किसी दूसरे के पास शरण ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है। पहले हम लोग को थोड़ा विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा, पूर्ण रूप से डिटर्मिनेशन होना है कि कृष्ण प्रत्येक परिस्थिति में मेरी रक्षा करेंगे। मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि कृष्ण बचपन से लेकर अब तक हमारी रक्षा किए, खिलाए पिलाए रक्षा किए, तो जब अब तक किए हैं, यद्यपि मैं उतना भक्ति नहीं किया था, तो अभी मैं भक्ति कर रहा हूं, तो कृष्ण हमें क्यों नहीं खिलाएंगे, क्यों नहीं पिलाएंगे, क्यों नहीं रक्षा करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को एक ही काम करना, वो है कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति। कृष्ण की शरणागति ही हम